पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं अजय कुमार लल्लू। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, किसी ब्राह्मण नेता को सौंपी जा सकती है कमान। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अजय लल्लू, उनको हटाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हटाया जा सकता है, किसी ब्राह्मण नेता को कमान सौंपी जा सकती है। काफी समय से इसके पहले भी चर्चा हो रही थी इनके नाम को लेकर, इनके काम को लेकर, और अब जो खबर आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजय कुमार लल्लू को उनके पद से हटाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, और किसी ब्राह्मण नेता को कमान सौंपी जा सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद सफी जुड़ गए हैं। सफी, जो खबर आ रही है, इसके पहले भी आल्हा की चर्चा होती रही है कि इनको पद से हटाया जा सकता है। सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हुई है। इसी में अब अगर बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय दौरा है जिसमें कई अहम फैसले लिए जाने हैं। तो अगर बात करें हम ब्राह्मण चेहरे की, तो उसमें 3 चेहरे सामने आए हैं, और जो कांग्रेस अध्यक्ष है अजय कुमार, उनको हटाया जा सकता है। और उसके बाद जो 3 चेहरे नए शामिल हैं, जिसके सूत्रों के हवाले से तो खबर प्राप्त हुई है, राजेश मिश्रा, प्रमोद तिवारी और राजेश पति त्रिपाठी, इन तीनों के नाम सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने की बात कर रही हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे सफी हो, चाहे सफी जो आपने नाम बताए 3 नाम, अगर प्रमोद तिवारी की बात करें, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन इनको लेके पार्टी में एक मत नहीं है, लोगों में एक देखते हैं कि गुटबाजी भी सामने आती है इनके नाम को लेकर, क्या लगता है प्रमोद तिवारी को जिम्मेदारी दी जा सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये विवादों में घिरे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इनसे किनारा करती है, तो लेकिन इनका नाम सामने आ रहा है क्योंकि कद्दावर नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, तो इस वजह से भी इनका नाम सामने आया। फिलहाल राजेश मिश्रा की ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है, 3 नाम दिए गए हैं। अब कल प्रियंका गांधी आई हुई है, कल बैठक करेंगी, अहम मुद्दों पर भी बात होनी है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा जरूर होगी कि कौन सा चेहरा ब्राह्मण बड़ा प्रदेश में सामने लाया जाए 2022 के चुनाव के लिए। तो सफी, ये मान के चले कि प्रियंका गांधी का जो 2 दिवसीय दौरा है, इस दौरे के दौरान ही इस नए नाम का ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रियंका गांधी आई है अचानक, वो सुबह दिन में आई है, शाम का उनका दौरा था, लेकिन वो दिन में ही आ गई, तो जिस तरीके से ये स्ट्रेटेजी बन रही है, जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं 2 दिवसीय जो दौरा आई है, इसी में ही कहीं ना कहीं ये बात सामने जरूर आएगी कि क्या कुछ बदलने वाला है और क्या कुछ नया। बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, चुनाव नजदीक है। शुक्रिया सफी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उनके पद से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, और ब्राह्मण चेहरे का नाम सामने आ रहा है। और अगली खबर दिल्ली से आ रही